हेलो बच्चों, आज हम लोग नेस्ट 2021 के सेशन वन का मैथमेटिक्स पोर्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा पेपर है ये, और इसके क्वेश्चन जो है वो नेस्ट के साथ साथ जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग नेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सपोज एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 to 1, सच द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 1। एफ ऑफ 1 इज गिवन एज 6, एफ ऑफ 0 इज गिवन एज 1, और ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम ऑफ अ सीरीज। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एफ ऑफ के बाई एन है, एफ डैश के बाई एन है, तो आपको क्या करना होगा, के बाई एन की जगह एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये जो लिमिट है ये बराबर होगी इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन के। के का वैल्यू 1 से n है, तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से f 1। और अब हम इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप एफ एक्स को t लेट कर लेते हैं देन दिस विल बिकम dt, तो t dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि फाइनली यू गॉट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो भाई जब लिमिट पुट करेंगे तो एफ 1 का स्क्वायर ये काम आएगा आपके 36 माइनस एफ 0 का स्क्वायर विच इज 1 डिवाइडेड बाई 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। अमिया हैज 25 कार्ड्स Each having different integer from 0 from 1 to 25 printed on it. एक से लेके 25 तक प्रिंट है सब कार्ड पे। He wishes to place his n card in a single row, है ना, एक लाइन में उसको कार्ड को अरेंज करना है। और किस तरह से अरेंज करना है, सो दैट द नंबर ऑन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट कार्ड हैव अ प्राइम फैक्टर इन कॉमन। यानी अपन कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव कार्ड लें तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। उनका जो फैक्टर कॉमन है, कॉमन फैक्टर, वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होना चाहिए, है ना। प्राइम नंबर कॉमन तभी आएगा, कुछ भी कॉमन होगा तो उसमें प्राइम नंबर तो कॉमन होगा ही होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, जैसे एक नंबर कंसीडर करिए आप 1, है ना, एक नंबर कंसीडर करिए 13, प्राइम नंबर है। 13 से पहले जो प्राइम नंबर जैसे 11 है, उसका डबल होता है 22, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया आप समझ जाएंगे अभी। एक हम 13 ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 के बाद कौन आएगा, 14, 15, 16 और 17, देन 18, 19, 20, 21, 22, 23, ओके बस। तो ये प्राइम नंबर जो है ये हमने यहाँ से चूज किया 1 से 25। अब देखो इनको क्यों लिया है, सोचिए अगर आपने इनमें से कोई भी नंबर आप किसी कार्ड पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 13 ही ले लिया, अब इसके दाएं या बाएं अगर मैं कोई भी कार्ड लूंगा, राइट, तो वो 13 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 13 का मल्टीपल तो क्या है भाई, 26 से वो यहाँ आता नहीं है। तो आप यहाँ पे चाहे जो भी नंबर लो, इसका और उसका जो कॉमन है वो 1 आएगा, इधर कोई भी लो इसका और इसका कॉमन भी 1 आएगा। तो सिमिलरली अगर आप ये 5 कार्ड यूज करेंगे तो फिर आप इस तरह से उनको अरेंज नहीं कर सकते कि कोई हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव कार्ड के बीच में कोई फैक्टर कॉमन हो। सो यू हैव टू लीव दीज 5 कार्ड, इन कार्ड को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो बच गए कितने आपके पास, टोटल 20 कार्ड, उन 20 कार्ड्स को आप अरेंज कर दीजिए और उस तरह से हम डेफिनेटली अरेंज कर पाएंगे कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में एक कॉमन फैक्टर जरूर मिलेगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, अगेन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर से। लेट ओमेगा बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल सा फंडा जो है यूज होगा वो है कि ओमेगा पावर 3 1 होता है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या जानते हैं कि ओमेगा की कोई भी हाइयर पावर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर वेन एन डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो अब ये जैसे ओमेगा पावर 2021 है, 2021 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वो रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब इसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा पावर 2021 टू द पावर 2021 कैन बी रिटर्न 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 2021,
अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो इसको यहाँ यूज कर लो तो आपको मिला माइनस ओमेगा 2021 विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर 2021 विच इज फाइनली इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइव फ्रेंड हैव फॉलोइंग हॉबीज। चलिए तो जो भी हॉबीज यहाँ बता रहे हैं पढ़ते जाते हैं और साथ साथ उसको हम प्लॉट भी करते जाते हैं यहाँ पे कि क्या क्या डेटा हमें गिवन है। अक्षय है, अक्षय लाइक्स सिंगिंग एंड कुकिंग, सिंगिंग और कुकिंग, ठीक है भाई। अक्षय को दोनों पसंद है। भारती लाइक सिंगिंग एंड पेंटिंग, भारती को सिंगिंग पसंद है और पेंटिंग भी पसंद है। चलिए एक हॉबी और यहाँ पे हो गई पेंट। चारू लाइक पेंटिंग एंड कुकिंग, अभी चारू को पेंटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है। दिशा लाइक गार्डनिंग एंड सिंगिंग, दिशा को सिंगिंग पसंद है और गार्डनिंग पसंद है, तो दिशा को पसंद है गार्डनिंग। आफ्टर दैट फरा लाइक कुकिंग एंड गार्डनिंग, फरहा को कुकिंग पसंद है और गार्डनिंग पसंद है, तो ये फरहा को पसंद है। द टू हॉबीज विच आर लीस्ट पॉपुलर विद दीज फ्रेंड्स, देखो कितना सिंपल सवाल है, सबसे कम पॉपुलर कौन है, पेंटिंग और गार्डनिंग। सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों और नेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स के, उसके सभी के सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, यहाँ से आप सभी सॉल्यूशन अब तक जितने पेपर हुए नेस्ट के, सभी पेपर्स के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन बाय कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।